बैठक भी ली है चुनाव को लेकर, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? आज क्योंकि नॉमिनेशन प्रोसेस 5 से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की और इलेक्शन टीम के साथ भी मैंने एक पूरी विस्तृत चर्चा की है कि क्या काम अभी तक इलेक्शंस में हो गया है और आगे उनको निर्देश दिए हैं कि टीम को कैसे कैसे आगे फंक्शन करना है। स्पेशली जो FSTs होता है उन लोगों के साथ हमने एक विस्तृत चर्चा और मीटिंग में उनको ये आदेश दिए गए हैं कि कैसे FSTs को इलेक्शन के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। MCC का अगर कहीं पर उल्लंघन हो रहा है तो FSTs को सबसे पहले वहाँ पर पहुँचना है, रिपोर्ट देनी है, डेली एक एक्टिविटी रिपोर्ट उन्हें सबमिट करनी होती है। वो सब उन्हें सबमिट करने के लिए उन्हें प्रॉपर प्रोफॉर्मास दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। हमने उन्हें अवगत करवाया है कि 2 एनेक्सर्स में उन्हें हमें डेली रिपोर्ट भेजनी है कि उन्होंने क्या क्या सीज किया है, अगर नहीं भी किया है तो वो भी उन्हें हमें बताना है। तो ये सारी रिपोर्ट्स उन्हें देने के लिए कहा गया है। उसके अलावा जब SSTs आ जाएंगी तो फिर FSTs को और ज़्यादा सहयोग भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ VST भी होती है, हमारी वीडियो सर्विलेंस टीम होती है जो कि हर जगह वीडियोग्राफी कर इलेक्शन एक्सपेंसेस पर भी देखती है। उन FSTs और VSTs को मिलकर कोऑर्डिनेट कैसे करना है वो भी इस मीटिंग में हमने डिस्कस किया है। तो ओवरऑल इलेक्शन टीम के साथ बस यही डिस्कस किया गया कि कैसे कैसे MCC को और इलेक्शन कमीशन की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और एक अच्छे से हमें फ्री फेयर इलेक्शंस का जो हमारा नारा है उसको पूरा करना है, यही निर्देश दिए गए। काफ़ी बार जो है प्रशासन के द्वारा कहा भी गया है लेकिन फिर भी जो है पोस्टर्स जो है लगे हुए हैं, होर्डिंग्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, आचार संहिता के उल्लंघन हो रहे हैं, उसको लेकर किसे निर्देश दिए गए? मैंने सबसे पहले तो सी विजिल की जो हमारी टीम थी उन लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही सी विजिल पर अगर हमें कोई भी कंप्लेंट आती है कि अगर कोई बैनर लगा हुआ है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सबसे पहले उसको तुरंत देखें और उसका निपटारा करें। 100 मिनट्स का हमारा टाइमलाइन रहता है, उसका पालन करना है। और दूसरा, सारे BDOs को हमारी तरफ से अभी एक लेटर जा चुका है कि वो भी अपने ओर पे ग्राम जो उनके पास है, उनका स्टाफ है, सरपंच है, उन सभी को, पंचायत सेक्रेटरीज हैं, उन सभी को इसके उसकी इन सभी चीज़ों के लिए MCC को फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रखें अपने सारे स्टाफ को। अगर कहीं भी उल्लंघन पाया जाता है तो हमारी तरफ से उस पर सख्त निर्देश लिया जाएगा। राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी तरफ से बस यही रहेगा कि MCC और इलेक्शन कमीशन की सारी गाइडलाइंस को सब लोग सही से फॉलो करें तो हम एक अच्छा इलेक्शन करवा पाएंगे।